वेतन वृद्धि और सेवा संपुष्टि की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आमरण अनशन कर रहे फॉरेस्ट गार्ड की मांगों को लेकर पीसीसीएफ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विभाग के नियमावली में हो इस बात का उल्लेख है और बिना विभागीय परीक्षा के वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि आगामी 24 फरवरी को विभागीय स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, इसमें से ज्यादातर वन रक्षियों ने परीक्षा में शामिल होने की बात कही है। इनके द्वारा मेरे साथ वार्ता की गई थी और उसमें मैंने बताया था कि किन किन मांगों को हम लोग पूरी करने की तरफ कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन इनका जो मुख्य मांग था, जैसा आप ही बताया कि ये कह रहे हैं कि जो वेतन वृद्धि के साथ पहले विभागीय परीक्षा इनको पास करनी है उसको नहीं रखा जाए, तो इसमें बताना चाहेंगे कि जो राज्य अवर वन सेवा नियमावली है 2014 की, उसमें उसकी खंडिका 18 में ये नियम बनाया गया है कि वेतन वृद्धि तभी मिलेगा जब ये विभागीय परीक्षा पास कर लेंगे।